नमस्कार बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में मैं भावना रावल आप लोगों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 13, जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूं, आज पढ़ने वाले हैं हम। पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ के कवि हैं सुमित्रा नंदन जी पंत। मैं सबसे छोटी हूँ। अब कविता को शुरू करने से पहले आइए हम कवि परिचय, उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन जी के बारे में, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिला, अब बागेश्वर और तब उत्तर प्रदेश में था और वर्तमान में वो उत्तराखंड में है, के कौसानी में 20 मई 1900 को हुआ था। उनके जन्म के कुछ घंटों के पश्चात ही उनकी माँ का देहांत हो गया था, अतः इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। और सुमित्रा नंदन पंत जी के पिता का नाम गंगादत्त पंत था, ये गंगादत्त पंत की 8वीं संतान थे। तो बच्चों, उनका उत्तराखंड में जन्म हुआ और 20 मई को, और जन्म के उपरांत ही उनकी माता का देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। फिर उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया, उनको बड़ा किया, और उनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। अब आइए जान लेते हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। आपकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। 1918 में वे अपने भाई के साथ काशी आ गए और वहाँ क्विंस कॉलेज में पढ़ने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद आप इलाहाबाद आ गए और वहाँ इंटर तक अध्ययन किया। 1919 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता संग्राम में या स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला का स्वाध्याय किया। आपका प्रकृति से असीम लगाव था, बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखा करते थे। बच्चों, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही पूर्ण की। उसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद आ गए थे। फिर 1919 में वे महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वे अहिंसावादी थे और सत्य की राह पर चलने वाले थे महात्मा गांधी। तो सुमित्रा नंदन जी पंत को ये सारे जो विचार थे उनके, उन्होंने उनको बहुत प्रभावित किया महात्मा गांधी ने, और उन्होंने अपनी शिक्षा को अधूरा छोड़ा और स्वाधीनता संग्राम में वे जुट गए। स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने अपना सक्रिय भागीदारी दी महात्मा गांधी के साथ, और हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला का भी उन्होंने स्वाध्याय किया। स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन किया। और उनकी रचनाओं में बच्चों प्रकृति का प्रेम, प्रकृति की सुंदरता जो है वो बहुत दिखाई देती है। प्राकृतिक सौंदर्य के ऊपर उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ वीणा, उच्छावास, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, लोकायतन, पल्लवणी, मधुज्वाला, मानसी, वाणी, युग, पथ, सत्यकाम, ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद पुरस्कार या सम्मान, उनको अनेक पुरस्कार या सम्मान मिले हैं। तो आइए जानते हैं। चिदंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार, और हिंदी साहित्य की इस अनवरत सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ था। तो बच्चों, हमने उनका यह जीवन परिचय जाना, संक्षिप्त परिचय जाना कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, उन्होंने अपनी रचनाएं कितनी सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी हैं, उसके बाद उनको कितने पुरस्कार मिले। अब मैं कविता का वाचन करूँगी। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूँ सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात,
थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न होऊं मैं तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्प्रह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। बच्चों यह कविता सुमित्रा नंदन जी पंत द्वारा लिखे थे, रची थे, और इस कविता के माध्यम से पंत जी ने इस छोटी सी बच्ची के मन के भावों को, विचारों को उजागर किया है कि यह छोटी सी जो बच्ची है, ये चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये छोटी सी बच्ची बड़ी होना नहीं चाहती, ये छोटी ही बनी रहना चाहती है। जैसे कि आप कविता के शीर्षक से ही पता आपको चल रहा होगा कि मैं सबसे छोटी हूँ, मतलब मैं सबसे छोटी ही बनी रहना चाहती हूँ। अब कविता के माध्यम से आइए हम पढ़कर ये जानते हैं कि ये सबसे छोटी ही बनी रहना क्यों चाहती है, बड़ी होना क्यों नहीं चाहती। तो इस कविता का परिचय या इस कविता के बारे में आज थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इस कविता में आखिर क्या भावार्थ है। इस कविता में एक बालिका अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रखती है। देखिए बच्चों, यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यह छोटी सी बालिका है और यह उसकी माता, तो वह सबसे छोटी ही बनी रहना चाहती है। ऐसा करने से वह सदा अपनी माँ का प्यार और दुलार पाना चाहती है या पाती रहेगी, उसकी गोद में खेल पाएगी, उसकी माँ हमेशा उसे अपने आंचल में रखेगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उसे लगता है कि वह सबसे छोटी होगी तो माँ उसका सबसे अधिक ध्यान रखेगी। सबसे छोटी होने से उसकी माँ उसे अपने हाथ से नहलाएगी, सजाएगी और संवारेगी, उसे प्यार से परियों की कहानी सुनाकर सुलाएगी। वह कभी बड़ी नहीं होना चाहती क्योंकि इससे वह अपनी माँ का सुरक्षित और स्नेह से भरा हुआ आंचल खो देगी। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हम यह जानेंगे कि यह बच्ची, ये जो लड़की है, ये बालिका जो है, ये सबसे छोटी बनी रहना क्यों चाहती है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। अब देखिए बच्चों, ये जो छोटी सी लड़की है, ये इन पंक्तियों को पढ़कर उसके मन के जो भाव हैं वो उजागर हो रहे हैं। वो अपने मन में वह अपने माता से वो ये कहना चाहती है कि मैं सबसे छोटी बनी रहना चाहती हूँ। अब वो छोटी बनी क्यों रहना चाहती है? क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊँ, मैं सबसे छोटी ही रहूँगी क्योंकि मुझे तेरी गोदी में सोना मिलेगा, मुझे तेरी गोदी में ही सोना है, और तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर, अंचल मतलब साड़ी को पकड़ पकड़ कर फिरूँ सदा माँ तेरे साथ। छोटे बच्चों की आदत होती है कि वो अपनी माता के साथ रहते हैं, या तो हाथ पकड़ पकड़ कर चलते हैं, या उनकी साड़ी को पकड़ कर, या आंचल को पकड़ कर, चुन्नी को पकड़ कर चलते हैं, तो वो छोटे बच्चों की आदत होती है। तो वो बालिका जो है वो भी यही चाहती है कि मैं अगर सबसे छोटी बनी रहूँगी तो मुझे आपकी गोदी में सोना मिलेगा, और छोटी और आपका आंचल पकड़ पकड़ कर मैं हमेशा आपके साथ बनी रहूँगी, हमेशा आपका साथ मुझे मिलेगा, और मैं कभी भी हाथ छोड़ना नहीं चाहती, आपका साथ छोड़ना कभी भी नहीं चाहती, मैं हमेशा जो है छोटी बनी रहूँगी तो आपका साथ मुझे हमेशा मिलेगा, आप मेरे आसपास ही हमेशा रहोगी। छोटे बच्चों का, आपके भी घर में यदि छोटे बच्चे होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे, या आप बहुत छोटे थे तब आपको याद होगा कि आपकी मम्मी आपके पापा हमेशा इर्द गिर्द आप ही के पास रहते। क्यों रहते हैं? आपकी माता आपके पास हमेशा हमेशा ध्यान रखती हैं आपका, क्योंकि आप बहुत छोटे होते हैं तो आप बच्चों का ध्यान रखने के लिए। तो उसे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि मेरी माता, मैं छोटी ही बनी रहूँगी तो मेरी माँ जो है वो मेरे पास हमेशा रहेगी, और मैं भी उनका आंचल पकड़ पकड़ कर हमेशा उनके साथ फिर सकती हूँ, घूम सकती हूँ, रह सकती हूँ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ, नहीं फिरती दिन रात। अब देखिए, अभी तो छोटे होने की बात थी कि छोटा इसलिए बनना चाहती है वो क्योंकि उसे गोदी माता की गोदी मिले और आंचल पकड़ पकड़ कर वो हमेशा साथ में घूमती रहे। अब बड़ा बनाकर, अब देखिए इन पंक्तियों में वो बड़ा बनने की बात कह रही है कि यदि मैं बड़ी हो गई तो क्या होगा,
कि बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं रहती दिन फिरती दिन रात। अब यदि वो बड़ी हो गई तो क्या हो जाएगा कि सारे के सारे काम जो होंगे वो क्या होंगे, खुद स्वयं करने पड़ेंगे। फिर माता जो है वो इतना हमारे आसपास जो है नहीं होगी, उनके आसपास नहीं होगी वो, तो ये तो उसके लिए बिल्कुल छलती है, बिल्कुल छल की तरह है कि पहले तो आप छोटी सी थी तो मैं छोटी सी होती हूँ तो आप मेरे साथ हमेशा होती हो, और अब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो क्या होगा, सारे काम फिर मुझे करने होंगे, तो आपका साथ जो है दिन रात वो नहीं मिल पाएगा मुझे। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। अब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो क्या होगा, पहले छोटी थी तो आप मुझे कर मतलब हाथ हाथ से अपने हाथ से खाना खिलाती थी और मेरा मुख भी जो है वो पोंछती थी धुलाती थी। आपने देखा होगा ना घर में भी कि छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी मम्मी ही खाना खिलाती है उन्हें, और मुंह हाथ भी वही धुलवाती हैं, और धूल पोंछ, और जैसे मान लीजिए हाथ पैर गंदे हो गए या बाहर मान लीजिए खेलने गए या घर में ही खेल रहे हैं तो हाथ पैर साफ़ करना, कपड़े साफ़ करना, कपड़े बदलना, नहलाना, सज्जित कर गात मतलब सजाना, और गात मतलब शरीर, तो नए नए धुले हुए कपड़े पहनाना, फिर तैयार करना, ये सारे जो कार्य होते हैं ये माता ही करती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अब बड़ी हो जाऊंगी तो ये सारे कार्य जो हैं ये मुझे ही करने पड़ेंगे, ये आप नहीं करेंगी, तो आपका जो है साथ मुझे नहीं मिल पाएगा जैसे पहले मिलता था। और थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। अब पहले क्या होता था, छोटी सी मैं जब बहुत ही छोटी सी थी तब क्या होता था, अभी क्या होता है कि मैं छोटी हूँ तो आप थमा खिलौने, छोटे बच्चों को ऐसे खिलौने थमा कर, और घर में माता जो है वो परियों की या कहानियाँ सुनाने की आदत होती है ना, कई सारे बच्चे होते हैं जो कहानी सुनकर ही सोते हैं तो उनकी मम्मी उन्हें कहानियाँ सुनाती हैं, तो ये भी उसे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे खिलौने भी मिलते हैं, आप खिलौने थमा देती हैं, और फिर परियों की, सुखद परियों की बात, और जो कि सुखद मतलब सुख देने वाली, आनंद देने वाली ऐसी परियों की कहानियाँ भी आप मुझे सुनाती हैं। तो अब यदि मैं बड़ी हो गई तो क्या हो जाएगा, ये सब मुझे नहीं मिलने वाला, फिर ना आपका साथ मुझे मिलेगा, सारे काम भी मुझे करने पड़ेंगे, और ना परियों की कहानी सुनना मिलेगा, तो ये सब कुछ भी नहीं मिलने वाला मुझे। इसलिए ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तो इसलिए मैं तो मुझे इतना ऐसा बड़ा होना नहीं पसंद, मुझे ऐसा बड़ा नहीं होना है जिसमें आपका साथ मुझे नहीं मिले, ऐसा वो कहना चाहती है। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। अब देखिए छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें हमेशा माता की गोद बहुत अच्छी लगती है, तो वो भी यही कहना चाहती है कि तेरे अंचल में ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं ऐसी बड़ी होना नहीं चाहती, और आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका दुलार, आपका लाड़ जो है वो मैं खोना नहीं चाहती, आपका साथ नहीं खोना चाहती, और आपका आंचल, आपके आंचल की छाँव में, आपकी गोदी में ही हमेशा रहना चाहती हूँ। कैसी निस्पृह निर्भय, बिल्कुल मुझे और कोई चाहत ही नहीं है, निस्पृह जो निस्वार्थ होता है, जैसे कोई चाहत नहीं होती और कोई इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि माता है अपने पास, उसके पास यदि उसकी माँ है तो उसे और कोई इच्छा नहीं है, और निर्भय बिल्कुल कोई डर नहीं होता। छोटे बच्चों को देखिएगा आप, उनके मम्मी पापा या घर में कोई बड़े होंगे तो वो उनके पास आके बिल्कुल निर्भय हो जाते हैं, बिल्कुल डर से मुक्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बात से वो डर जाते हैं तो एकदम मम्मी का ही नाम उनके मुंह से निकलता है, या दौड़कर वो किसी बड़े के ही पास आते हैं और एकदम से छुप जाते हैं उनके पास, है ना, तो बच्चों की आदत होती है। तो वो भी यही कह रही है कि ऐसी बड़ी मुझे नहीं होना है, मैं छोटी बनी रहना चाहती हूँ, और हमेशा छोटी बनी रहकर आपकी आंचल में, आपकी गोदी में ही रहना चाहती हूँ, बिल्कुल निर्भय होकर, बिना डरे।
और कहना चाहती हूँ, जैसे चांद दिखा दे तारे, छोटे बच्चों की आदत आपने ये भी देखी होगी, या आपने भी जब बहुत ही छोटे होंगे तब मम्मी हैं या घर में जो बड़े हैं, तारे देखना, चांद देखना, सूर्य, मतलब सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है छोटे छोटे बच्चों को, है ना। तो वो भी यही चाहती है कि मुझे आपका ऐसा साथ मिले कि मैं हमेशा आपके साथ बनी रहूं, आपके आंचल की छाया में मैं हमेशा निर्भय रहूं, निडर रहूं, कोई डर नहीं हो मुझे, कोई इच्छा और हो नहीं मेरी, क्योंकि आप जब मैं छोटी होंगी तो आप मुझे परियों की कहानी भी सुनाओगे और खिलौने भी मेरे मुझे दोगी और आपकी गोदी में मैं हमेशा रहूँगी, तो उसमें मैं बहुत ही सुरक्षित महसूस करूँगी। इसलिए वो हमेशा छोटी बनी रहना चाहती है बच्चों। तो इस तरह से छोटी सी सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित जो कविता है ये आज हमने पढ़ी, जो कि आपकी वसंत की जो पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 13 है, जिसमें ये छोटी सी बच्ची जो है बड़ी होना नहीं चाहती, ये छोटी ही बनी रहना चाहती है, क्योंकि उसको बहुत फ़ायदे हैं इस बात के कि उसकी माता जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यह लाभप्रद भी होगा। धन्यवाद।